सी आई ई टी एन सी ई आर टी द्वारा प्रस्तुत है कक्षा चार की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का पाठ सत्रह नंदिता मुंबई में पृष्ठ एक सौ सैंतीस आज मुझे मुंबई आए एक महीना हो गया है माँ तभी से अस्पताल में भर्ती है उनके इलाज के लिए ही तो हम गांव से मुंबई आए हैं मुंबई एक बड़ा शहर मुझे धीरे धीरे शहर की आदत पड़ गई पर आज भी वह दिन याद है जब माँ और मैं मुंबई स्टेशन पर ट्रेन से उतरे थे कितनी भीड़ थी मैंने फटाफट माँ का हाथ पकड़ लिया था मैं सोच रही थी इतनी भीड़ में मामा कैसे दिखाई देंगे तभी पीछे से जोर से आवाज़ आई नंदिता नंदिता मुड़कर देखा वो मामा ही थे पृष्ठ एक सौ स्टेशन से मामा के घर की ओर चले पर यह क्या फिर से इतनी भीड़ वाला इलाका संकरी गली के दोनों तरफ साथ सटी साथ साथ हुई झुग्गिया उसी गली से होते हुए हम मामा के घर पहुंचे यहाँ एक कमरे में मामा मामी उनकी दो बेटियाँ और बेटा रहते हैं और अब मैं भी था वहीं बैठना वहीं सोना वहीं पकाना और वहीं नहाना हमारे गांव के घर में भी एक ही कमरा है पर रसोई घर और नहाने की जगह अलग अलग हैं बाहर आंगन भी है पानी की किल्लत मैं मामी और सीमा के साथ सुबह चार बजे उठकर नल पर पानी भरने जाती हूँ बाप रे वहाँ पानी के लिए कितने झगड़े होते हैं अगर पहुँचने में देर हो गई तो समझो दिन भर का पानी भरा नहीं जाएगा हमारे गांव के घर में भी नल नहीं है गांव में तालाब बीस मिनट की दूरी पर है गर्मियों में कभी कभी तालाब का पानी सूख जाता है पृष्ठ एक तब घंटा भर चलकर नदी से पानी लाना पड़ता है पर पानी के लिए इतने झगड़े तो नहीं होते मामा की गली के एक कोने पर टॉयलेट बना है गली के सभी लोग वहीं जाते हैं इतनी गंदगी और बदबू वहाँ जाने पर मुझे तो मितली आती है अक्सर वहाँ पानी भी नहीं होता पानी साथ ही ले जाना पड़ता है अब तो इसकी आदत पड़ गई है गांव में तो सब खुली जगह पर जाते हैं लेकिन उसके लिए आदमी और औरतों की जगह अलग अलग है लिखो नंदिता को गांव से माँ को मुंबई क्यों लाना पड़ा मामा की बस्ती के टॉयलेट में जाने पर नंदिता को पहले मितली आती थी क्यों पृष्ठ 140 नंदिता को अपने और मामा के घर में क्या अंतर लगा बस्ती के नल से पानी भरने और गांव में पानी भरने में नंदिता को क्या अंतर लगा तुम्हारे अनुसार क्या नंदिता के मामा की बस्ती में बिजली होगी सीख ही लिया मैं रोज मां से मिलने बस से अस्पताल जाती हूँ शुरू में तो बसों में भीड़ देखकर हिम्मत ही नहीं पड़ती थी उनमें चढ़ने की आदत जो नहीं थी डर भी लगता था पर अब ठीक है मुझे समझ आ गया है कि कैसे लाइन में लगना है कितने का टिकट लेना है कहाँ उतरना है बस्ती से कुछ दूर एक ऊंची बिल्डिंग है वहीं सात घरों में मामी सफ़ाई और बर्तन धोने का काम करती हैं एक दिन मैं भी मामी के साथ वहाँ गई देखने पर पहले मुझे लगा कि एक ही बड़ा घर है पर नहीं वे तो एक के ऊपर एक बने बहुत सारे घर थे पृष्ठ एक सौ इकतालीस मैं सोच रही थी कि इतनी सारी सीढ़ियां कैसे चढ़ूंगी पर वहां लिफ्ट भी लगी थी एक बड़े से लोहे के पिंजरे जैसी पंखा घंटी और बल्ब सभी लगे थे उसमें हम कितने सारे लोग उसमें घुस गए बटन दबाया और झट पहुंच गए ऊपर सच बताऊं मुझे पहले बहुत डर लगा था बताओ क्या कभी कोई तुम्हारा अपना अस्पताल में भर्ती हुआ है कितने दिन के लिए क्या तुम उनसे मिलने जाते थे वहाँ उनकी देखभाल कौन कौन कर रहे थे क्या तुमने कभी ऊंची बिल्डिंग देखी है कहाँ उस बिल्डिंग में कितनी मंजिलें थी तुम कितनी मंजिल तक किसी बिल्डिंग में चढ़े हो दूसरे घर में मामी सबसे पहले मुझे बबलू के घर ले गई उसका घर बारहवीं मंजिल पर था कितना बड़ा घर था बैठक खाने का कमरा सोने का कमरा सब अलग और रसोई भी अलग वहाँ टॉयलेट भी घर के अंदर ही था मामी को बबलू के घर काम करने में टाइम तो बहुत लगा पर ख़ास परेशानी नहीं हुई रसोई घर में ही नल लगा था और झरझर पानी बह रहा था पृष्ठ एक सौ बयालीस बबलू ने नहाने के लिए पानी की बाल्टी लगाई और टीवी देखने बैठ गया कितना पानी बेकार बह गया यह मुझे अच्छा नहीं लगा मैंने जाकर नल बंद कर दिया बबलू के घर में बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियाँ थीं मामी ने मुझे खिड़की से नीचे देखने को कहा बबलू के घर की खिड़कियों से मामा की बस्ती दिखाई दे रही थी बस्ती तो दिखाई दी पर पता नहीं चल रहा था कि मामा का घर कौन सा है ऊपर से नीचे सब कुछ खिलौने की तरह छोटा छोटा लग रहा था मुझे डर भी कितना लगा था ऊपर से बहुत नीचे झांकने में शुरू में नंदिता को मुंबई में क्या क्या करने में डर लगता था पृष्ठ एक मामा के घर और बिल्डिंग के मकानों में क्या क्या अंतर है एक तालिका बनाकर बताओ इसमें दो कॉलम हों एक मामा की बस्ती के घर कॉलम दो ऊंची बिल्डिंग में बने घर यह अंतर क्यों है चर्चा करो अपने बारे में बताओ इनमें से तुम्हारे घर किसके जैसा है उस पर गोला लगाओ नंदिता के घर जैसा मामा के घर जैसा बबलू के घर जैसा या किसी और तरह का तुम्हारे घर में पानी कहाँ से आता है क्या तुम्हारे घर में बिजली का कनेक्शन है यदि हाँ तो एक दिन में बिजली कितने घंटे आती है तुम्हारे घर के पास कौन सा अस्पताल है हम तुम्हें कुछ जगहों के नाम बता रहे हैं तुम्हें बताना है कि ये जगह तुम्हारे घर से लगभग कितनी दूर है बस स्टॉप कितने मिनट दूर है और कितने किलोमीटर दूर है स्कूल कितने, कितने मिनट दूर है और कितने किलोमीटर दूर है बाजार कितने मिनट दूर है और कितने किलोमीटर दूर है पोस्ट ऑफिस कितने मिनट दूर है और कितने किलोमीटर दूर है अस्पताल कितने मिनट दूर है और कितने किलोमीटर दूर है तुम्हारे इलाके में बने अलग अलग तरह के घरों का चित्र कॉपी में बनाओ पृष्ठ एक सौ चवालीस एक नई चिंता मामा ने कहा था कि वे मुझे मुंबई घुमाने ले जाएंगे बस्ती के बच्चे चौपाटी की बहुत बातें करते हैं सुना है वहाँ बड़े बड़े फिल्म स्टार भी आते हैं काश जब हम वहाँ जाएं तो मुझे भी कोई फिल्म स्टार दिख जाए आजकल मामा बहुत परेशान हैं मैं उनसे मुझे मुंबई घुमाने को भी नहीं कह सकती पिछले हफ्ते कुछ लोग बस्ती खाली करने का नोटिस दे गए थे अब वहाँ बड़ा होटल बनेगा मामा ने बताया था कि पिछले दस सालों में उन्हें तीसरी बार नोटिस मिला है जो लोग यहाँ रह रहे हैं उन्हें अपना घर बनाने के लिए कोई दूसरी जगह दी जा रही है इस झुग्गी के बदले जो जगह मिली है वह शहर से बहुत दूर है समझो शहर का दूसरा कोना वहाँ न पीने का पानी है ना बिजली पता नहीं वहाँ कोई बस भी जाती है या नहीं मामा इतनी दूर से काम पर कैसे आएंगे कितना ज़्यादा पैसा लगेगा और कितना ज़्यादा टाइम भी और मामी उनको वहाँ काम मिलेगा भी या नहीं अगर मामा नई जगह चले गए तो मैं माँ से मिलने कैसे आऊंगी माँ तो अभी पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई पृष्ठ एक सौ कॉपी में लिखो मामा को अपना घर क्यों बदलना पड़ रहा है क्या तुमने कभी अपना घर बदला है यदि हां तो किन कारणों से क्या तुम्हारे परिवार के लोगों को काम के लिए दूर जाना पड़ता है वे कहाँ जाते हैं वे कितनी दूर जाते हैं चर्चा करो क्या मामा की बस्ती को हटाकर वहाँ पर होटल बनाना ठीक है इससे किसको फायदा होगा इससे किसको परेशानी होगी क्या तुम किसी ऐसे परिवार को जानते हो जिन्हें नंदिता के मामा के परिवार की तरह ही परेशानियों का सामना करना पड़ा हो इसके बारे में कक्षा में बताओ अपनी पसंद के घर का चित्र बनाओ और उसमें रंग भरो नंदिता मुंबई में अभी आप सुन रहे थे कक्षा चार की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का सत्रहवा पाठ